नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया है। उनकी उम्र 75 वर्ष की थी। उनकी बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी है। शरद यादव गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे, वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। शरद यादव राजनीतिक रूप से अलग ही शख्सियत वाले शख्स थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार में तीनों राज्यों से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से 4 बार, मध्य प्रदेश के जबलपुर सीट से 2 बार और उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वैसे तो शरद यादव लंबे वक्त तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में लौटे तो शरद यादव ने उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया, लेकिन बाद में अपनी पार्टी का विलय राजद में करा दिया। शरद यादव की आखिरी वक्त में राजद से जुड़े हुए थे। पिछले दिनों लालू यादव की मौजूदगी में पटना में राजद की बैठक में शामिल भी हुए थे। राजद नेता शरद यादव ने 5 जनवरी 2023 को आखिरी ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूपी निकाय चुनाव पर रोक लगाने की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यूपी निकाय चुनाव ओबीसी कोटा के बिना कराने के निर्देश पर रोक लगाने की सराहना करता हूँ। प्रख्यात समाजवादी नेता शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में हुआ था। वे 3 राज्यों से लोकसभा के लिए चुने जाने के अलावा केंद्र में मंत्री भी थे। इसके अलावा जदयू के अध्यक्ष और एनडीए के संयोजक भी रहे थे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहीद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, डॉक्टर मीसा भारती, सुशील कुमार मोदी, पप्पू यादव और अन्य कई नेताओं ने शोक जताया है। योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुनकर के मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा के वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कठु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ।